हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियल मेमोरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी साल का कोई भी दिन कैसे निकाल सकते हैं। आप डेट बोलो, मैं दिन बताऊंगी। आप डेट बोलो, मैं दिन बताऊंगी। ये साब है भाई, कोई भी ऐसे। अब बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं ना, लाओ बताओ डेट, मैं तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ कि कौन से दिन आपकी, कौन से दिन आप पैदा हुए थे। तो वो सब क्या है, हाथ का खेल है, केवल बाएं हाथ का खेल है वो। तो आज के बाद आप भी छोटे बच्चों को क्या बता सकते हो कि भाई तू डेट बता, मैं आपको दिन बताता हूँ कौन से दिन, उस दिन क्या था। ओके, तो आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी डेट से दिन कैसे निकालते हैं। अगर आप नए हैं, आज पहली बार हमारे से जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा अपने इस चैनल को, प्रियल रीजनिंग को लाइक कीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। ये रहा आपके सामने सबसे पहले, बहुत शॉर्ट तरीका है इस डेट निकालने का। आप ये मत पूछिएगा क्यों, क्या, वाई, ये सवाल यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, ये एक ट्रिक है। ट्रिक कहाँ से बनती है, कुछ चीजों का कंबाइन करके बनती है। अगर मैं आपको हर चीज बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्यों, क्या, कैसे, हाउ, ये सब सवाल मत पूछिएगा। केवल याद कर लीजिए कि ये आपके स्टेप्स हैं कोई भी डेट को निकालने के। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए, ये चीज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कोड 144। याद करने का तरीका, 144 12 का स्क्वायर, 025 5 का स्क्वायर, 036 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, 146 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये जब कोड इस्तेमाल करेंगे, जब आपका साल क्या होगा, एक सामान्य साल होगा। अगर आपका दिया हुआ साल लीप वर्ष, लीप वर्ष में चेंज क्या होता है, फरवरी, बाकी सब तो सेम रहता है, फरवरी चेंज होता है ना केवल। तो हमने चेंज किसमें किया, जनवरी और फरवरी में, शुरुआत के ही दो दिन में चेंज हुआ है, एक एक माइनस हो गया, यहाँ वन था, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ फोर था, यहाँ थ्री हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्योंकि लीप वर्ष बाकी किसी साल को अफेक्ट नहीं करता, वो शुरुआत के ही दो साल को अफेक्ट करता है। तो वो हमने आगे ही शो कर दिया, 03 लिख के, समझ में आया। तो पहले आपको याद करना है ये कोड, जनवरी फरवरी का 144, मतलब 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146, क्लियर हो गया। पहली चीज आपको याद ये करनी है। दूसरी चीज ये है, आपको और डेज पता होना चाहिए। इसको निकाल भी सकते हैं पर आप रट लीजिए, निकाल के टाइम बर्बाद करने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। 100 इयर्स में हमेशा याद रखिएगा, 5 और डेज होते हैं, 100 में 5 और डेज, 200 सालों के अंदर 3 और डे हो जाते हैं, 300 सालों में आपके 4 एक और डे होता है, 400 सालों में 0 और डे होता है। ये आपको याद करना है, 100 इयर्स में हमेशा 5 और डेज होते हैं, 200 ईयर्स में हमेशा 3 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 होता है, 400 में 0 होता है। पहली चीज आपको ये दो चीजें याद करनी है, पहली ये, दूसरी ये। पहली याद ये करनी है, दूसरा आपको याद ये करना है। ये मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ टफ काम है याद करने का। अब शुरुआत करते हैं डेट निकालने से पहले कुछ बातें आपसे पूछना चाहूंगी मैं, कि आपको पता होना चाहिए किसी की 1900 दिया मैंने, 2000 दिया, इनका ऑड डेज निकाला, 1900 का 2000 का आपको ऑड डेज निकालना आना चाहिए अगर आप सीखने जा रहे हैं। देखो जो तरीका मैं बताने वाली हूँ वो तरीका एक ऐसा तरीका है, तो कोई भी डेट निकाल सकते हो। जो आपको तरीका आते हैं कुछ अलग चीजों से, अलग तरीकों से, उनसे आप देखोगे पुरानी डेट आप नहीं निकाल पाएंगे, नई डेट निकाल पाएंगे। अगर आप बोलो पुरानी डेट को निकालने को बोल दे तो उससे आंसर आपको गलत आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस डेट से आप कोई भी साल की कोई भी डेट निकाले, सब तरीका बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आपका। देखिएगा, निकालने से पहले आपको बताना चाहिए कि 1900 के ऑड डेज कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमको ये बात पता है 400 के 0 ऑड डेज होते हैं, इसी का इस्तेमाल बार बार करेंगे। इसको दो टुकड़ों में बांटे, कैसे, 1600 में बांट दिया और प्लस का 300 में बांट दिया। 1600 में क्यों बांट दिया, क्योंकि ये क्या है, 400 का मल्टीपल में है, 400 इंटू का 4, 400 कितना है, 0 है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, पूरा पूरा 0। इसलिए मैंने हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 400 के मल्टीपल में इसको डिवाइड करूंगे, 400 का मल्टीपल 1600 ये हो गया, 300 ये हो गया, 300 कितना होता है आपका 1, तो कितना हो गया, इसका हो गया आपका 1। सेम 2000 का, 2000 का मतलब क्या होगा, 400 इंटू का 5 कितना हो जाएगा, 0। अगर पूछूं मैं 1300 का कैसे निकालोगा, 1300 को इसको दो पार्ट्स में, 1200 प्लस का 100, 1200 का मतलब 400 इंटू का 3 मतलब 0, और 100 का मतलब कितना हो गया, 5, इसका 5, तो कितना हो गया इसका टोटल 5। तो ये तरीका है आपका ऑड डेज निकालने का। कोई भी साल दे रखा हो, देखो साल कौन कौन से होंगे, शुरुआत से चालू करूं तुम्हें, 2000 का हो सकता है, 1900 होगा, 1800 होगा, 1700 होगा, 1600 होगा, 1500 होगा,
1300, 1200, 1400, 1100, 1000 से नीचे नहीं देगा मेनली, 1000 तक। तो आप इसी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, आसानी से आपका निकल जाएगा कि ऑड डे इतने सालों में कितने होते हैं, ऑड डेज निकल गए। अब बात करते हैं आगे की कहानी की, तरीका याद रखिएगा, ये पहले आपको ऑड डेज निकालने आने चाहिए, ऑड डेज याद है। अब शुरुआत करते हैं तरीका का, जैसे निकालते हैं 15 मार्च की बात करते हैं, 15 मार्च 2020 की बात करते हैं, मैंने आपको डेट दी 15 मार्च 2020, आपको निकालना है 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। अब रिसेंटली की डेट है ये आपकी, रिसेंटली की डेट है, अभी आपको ध्यान भी होगा 15 मार्च 2020 को क्या था, देखते हैं। डेट लिखी पहले, 15 लिखा, प्लस मार्च का कोड क्या है 4, प्लस का 4 लिखा, ठीक है। अब देखिए प्लस क्या लिखा, 200 का ऑड डे, 2000 का ऑड डे, 2000 क्यों, शुरुआत की दो वैल्यू ली, शुरुआत की दो वैल्यू आगे जीरो लगा दिए, 2000 का ऑड डे, प्लस लास्ट की दो डिजिट 20, प्लस 20/4 मतलब इसका लीप वर्ष, लीप ईयर, और प्लस का 5, ये आपका फॉर्मूला है निकालने का। देखिए 15 का 15 लिख दिया ऐसे ही, 4 का 4 लिख दिया ऐसे ही, 2000 का ऑड डे अभी निकाला था, किसका मल्टीपल है 400 का 5 टाइम्स है, तो 0 ही आएगा। 20 का 20 लिख दिया, 4/20/4 कितना हो गया 5 जा, प्लस का 5 लिखा, लीप वर्ष निकालना था, 4 से डिवाइड किया और प्लस का 5 किया। अब क्या करना है आपको, या तो सबको प्लस कर लीजिए, सबको प्लस कर लीजिए, उसके बाद जितना आंसर आए अगर वो 7 से कम है तो इनमें से कोई दिन हो जाएगा 7 तक, तो अगर 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड कर देना, प्लस करते हैं कितना होगा, 5, 5, 5, 10, 15, 15, 5, 19, 19, 2, 3, 4, 49 क्या है 7 से बड़ा है, 49 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7, 7 जा 49, 0 रिमाइंडर, 0 का मतलब क्या था संडे, तो क्या हो जाएगा 15 मार्च को आपका संडे हो जाएगा। समझ में आया, कितना स्टेप था, एक स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, दो स्टेप्स में आपका आंसर आ गया, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, समझ में आया, ओनली 2 स्टेप्स नीडेड इस चीज के लिए। एक और तरीका, इसको इतना ना करने का एक और तरीका है, क्या है, आप क्या करो इसको पहले से ही डिवाइड करो 7 से, पहले से ही डिवाइड कर लो 7 से, कैसे, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, 4 कटेगा नहीं 0, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर, हाँ इसमें 5 और 5, अब प्लस कर लो छोटी वैल्यू होगी, 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 11, 10 10 20 और 21 21 21 का मतलब वही डिवाइड को 7 से, 0 रिमाइंडर, 0 का मतलब क्या हो गया आपका संडे, आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है, 15 लिखा, मार्च का कोड लिखा 4 होता है, 2000 का शुरुआत की दो वैल्यू लेंगे, उसके आगे पीछे का 2 जीरो लगा देंगे, शुरुआत का कितना होगा ऑड डेज निकालेंगे इसका, फिर 20 लिखेंगे ये 20 आ गया, फिर 20/4 लिख देंगे, फिर प्लस का 5 हो जाएगा। ऐसे आप निकालोगे तो कोई भी आपका दिन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम शॉर्ट सा, एक सिंपल एग्जांपल और लेती हूँ मैं आपके सामने, देखिएगा कोई और दिन निकालते हैं, ठीक है, कोई भी दिन, कितनी पुरानी डेट हो, कोई भी पुरानी डेट हो, अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी निकालिए, अपने अपना डेट ऑफ बर्थ निकाले, अपने छोटे भाई बहन को डेट ऑफ बर्थ निकाले, कुछ भी निकाले, कुछ भी, आप कोई भी डेट निकाल सकते हैं। अब मैंने बोल दिया 4 जून 1864, मान लो मैंने ये लिया 4 जून 1864, कोई भी रैंडम डेट ले ली मैंने, 4 का मतलब 4 हो गया, जून का मतलब 5 हो गया कोड, ठीक है, 1800 का ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे, फिर 64 लिख दिया, फिर क्या किया 64/4 लिखेंगे लीप वर्ष निकालने के लिए, और प्लस का 5 कर देंगे, करिए 4 का 4 आ गया, 5 का 5 आ गया, 1800 का ऑड डे क्या होगा, 1800 का मतलब क्या हुआ, 1800 का मतलब हुआ 1600 प्लस का 200, 16 का 0 हो गया, 200 का 3 हो गया, तो प्लस का 3 यहां आ गया, 64 का 64, 4 1 जा 4, 5 6, 6 जा 24, 16 यहां पे आ गया और प्लस का 5 यहां हो गया। अब क्या करोगे, अगर आप स्मार्ट होंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से, फिर प्लस करेंगे, 4 का 4, 5 का 5, 3 का 3, 64 का 63, 7 9 जा 63, 1 रिमाइंडर 1 आ गया, 16 का 7 2 जा 14, 14 में 2 रिमाइंडर 5 ये हो गया, प्लस कीजिए 5 और 5 10, 5 15,
और 5 20, कितना आ गया 20 आया, प्लस करके 20 आ गया, 20 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 14, कितना आया 6 रिमाइंडर, 6 का मतलब सैटरडे आपका सही आंसर हो गया, 6 का मतलब क्या हुआ सैटरडे आपका सही आंसर हो गया। तो आप कोई भी डेट निकाल सकते हैं इस तरीके से, ये तरीका ऐसा है कितनी भी पुरानी डेट हो, कितने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने हो, चाहे मोहन जोदारो तक की डेट निकाल लो, कोई भी डेट कोई भी डे निकल सकता है इस तरीके से। ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो तरीका, आपको शॉर्ट ट्रिक है, केवल 2 स्टेप्स, पहले स्टेप में ये लिख दो, दूसरे स्टेप में ये लिख दो, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पसंद आया हो ये तरीका, अगर लगा होगी शॉर्ट तरीका है और आपको बेनिफिट हो सकता है आपके एग्जाम्स में, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को प्रियल मैम रीजनिंग को, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और एक बार शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीरीज के साथ, टेक केयर, बाय बाय।